नहीं बिल्कुल नहीं, मैं स्पॉट पर नहीं था, बल्कि मैं आपको इसीलिए मैं एक वीडियो लेकर के बैठा हूँ, मैं आपको दिखा दूँ। मैं ये भैया पासवर्ड इसका क्या है, तो उसमें जो है मैं आपको बता दूं कि मैं सुबह 9 बजे से लेकर के, बल्कि एक दिन पहले यानी 2 तारीख से लेकर के दंगल का आयोजन हमारे यहाँ होता है, उसी कार्यक्रम में मैं था। ये मेरा वीडियो है, ये अखाड़े का है, इसमें कुश्ती लड़ रहे हैं किसान पहलवान, और ये पूरी इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, करीब 2 से 3 हज़ार लोगों की संख्या की भीड़ रही होगी जी। और ये दंगल का मेरा कार्यक्रम है, मैं वहाँ पर था। घटना कितने बजे की और वीडियो कितने बजे का शूट कितने? वीडियो अगर आप चाहेंगे तो हम आपको सुबह जो है 12:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक का वीडियो दे देंगे। अच्छा। क्योंकि वहाँ पर, अब चूंकि मैं आपको स्पष्ट बता दूँ, 2.5 से 3 हज़ार वहाँ पर पब्लिक, नंबर एक चीज़। दूसरी, डिप्टी सीएम का कार्यक्रम था, तो उसमें एडिशनल एसपी, सीओ, मतलब प्रशासनिक अमला पूरा वहाँ मौजूद था। तीसरी चीज़, दूर दराज से आए हुए पूरे पहलवान मौजूद थे, अड़ोस पड़ोस दुकान वाले थे, वो मौजूद थे। आज का तो युग ऐसा है कि आप जाएंगे तो सबके, जिन लोगों ने फोटो लिया होगा, वीडियो लगा, सबको सामने आ जाएगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, आपको नॉलेज शायद हो कि जिसमें आप लोग के अगेंस्ट एक चलाया जा रहा था मूवमेंट। उसके पीछे भी मुझे सुनने में आया है कि न्यायिक जाँच का आदेश दे दिया गया है और जो भी दोषी होंगे उसमें कार्रवाई होगी। आपको नहीं लगता है कि आपके पिताजी जो वरिष्ठ मंत्री भी हैं, उनके उस बयान की वजह से पूरी हिंसा भड़की? उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया था। कुल मिला के हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि वहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ था, वो सांसद जी को जो कार्यक्रम में, जहाँ पर आपने बताया है बयान, उसमें किसान गोष्ठी का ही आयोजन था, किसानों ने ही उनको आमंत्रित किया था। लेकिन उनके वहाँ पहुँचने से पहले भारत माता के चित्र को फाड़ा गया, हमारी होर्डिंगों को फाड़ा गया, माननीय प्रधानमंत्री जी की होर्डिंग्स फाड़ी गई, मोदी जी की होर्डिंग्स फाड़ी गई, योगी जी की सब, मतलब उन्होंने तहस नहस किया। तो वहाँ पर ये कहा गया कि किसानों के वेश में जो लोग किसानों को बदनाम कर रहे हैं, और जो वो लोग अपने ऐसे लोग पहुँच गए हैं जो किसानों को, प्लस जो अपने लोग हैं, इनको भ्रमित करके बदनाम करने का काम कर रहे हैं, उनके लिए कि ये कहा गया था कि भाई ये गलत चीज़ें कतई बर्दाश्त नहीं करी जाएंगी। जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि अपराधी के लिए उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं। वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें आप गन को लोड करते हुए देख रहे हैं, आपने शायद देखा हो, काफ़ी वायरल हो रहा है। नहीं नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता है, मैं चैलेंज करता हूँ इस वीडियो को। मैं मुझको आप स्वयं देख लीजिए, मैं किस प्रकार का व्यक्ति आपको लग रहा हूँ, आपराधिक छवि का लग रहा हूँ कि कैसा लग रहा हूँ, ये कहीं कुछ नहीं है। गन को लोड करते हुए दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए, मैं यही मांग। बहुत बड़ी बात, आपके पिताजी ने आज तक से बात करते हुए तक कह दिया कि अगर वो उस जगह पर हुए होते हैं, पाए जाते हैं, तो मैं अपने पद दे दूँ, उसे इस्तीफा दे दूँ। बिल्कुल सही बात है, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं वहाँ पर पाया जाता तो आप लोग समझ सकते हैं कि वहाँ पर जिन कार्यकर्ताओं के साथ जैसी घटना हुई है, मैं शायद आज आपके पास न बैठा। आशीष जी, आपने कहा आपने कुछ नहीं किया, आप स्पॉट पे नहीं थे, सारी बातें माननी है, तो FIR में आपका नाम क्यों लिखा गया? अब ये तो उन लोगों ने दबाव बनाया हो या जो भी हो, भाई पुलिस पर दबाव बनाया उन लोगों ने, अब कार तो बीजेपी की ही है, तो इसके लिए क्या कहा जा सकता है? भाई देखिए, लोकतंत्र है, उन्होंने ये दिखाया, उसका प्रमाण वो दे। अगर हम वहाँ पर थे, हमारे उन्होंने दबाव तो कंप्लेंट बनाया होगा, FIR तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने की बात करती है। नहीं नहीं, कंप्लेंट उन्होंने करी है, बाकी FIR हुई है या नहीं हुई है इसके विषय में तो हमको नहीं पता है कि क्या है। FIR तो हुई। अच्छा अच्छा, तो वो विशेष जानकारी हमारी नहीं, लेकिन मुझको कानून व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है। All right, let me quickly go across to Samarth Srivastav joining us live for more details on that. Samarth, we heard Ashish Mishra speak. He completely refutes allegations of him being at the spot, the violent spot. He says he was at another event that was going on for about 5-6 hours, and there were about 3,000 odd people there. He can provide for the entire event floor's video, the video that was taken during that event, to show you that he can't be in two places at the same time. But has the police investigated this matter so far, and what have the police observed? Well, Ashish Mishra in our exclusive interview clearly told India Today that he was not present at the spot when entire mayhem took place in Lakhimpur. He even showed the videos where he could be seen making others do wrestling and all, and he claimed that he was there for 5 to 6 hours when this incident took place. Though police is tight-lipped over the recent development with the upload of new video which is going viral on social media, and as Aam Aadmi Party's leader Sanjay Singh also tweeted, in which it is clearly seen
that an SUV is coming mowing down many farmers. So that is the reason this case is getting sensitive. And what Ashish Mishra told India Today in an interview, that he hasn't done anything and his name is being taken up by the opposition parties for the political gains as Uttar Pradesh elections are nearing. So that's the part. Also the Union Minister Ajay Mishra also told India Today that he can even resign if anything like the involvement of his son would come into picture, if the video, if at that particular spot, if his son will be swatted, he will resign from the post of ministry. And so that's exactly what he said in the interview that you did with him, Samarth. In fact, India Today did speak exclusively to Union Minister of State for Home, Ajay Mishra Theni, about the Lakhimpur incident where his son has been accused of mowing down farmers. He says he will resign if any proof showing his son at that spot of the violence emerges. Let's take a listen. जो लगा रहे हैं वो लोग हैं जिन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण से इस घटना को अंजाम दिया है. उन लोगों ने इस तरह के आरोप लगाए हैं. हमारे यहाँ 40 साल पहले से ये कार्यक्रम हर प्रतिवर्ष होता है. उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री जी आ रहे थे. उनको गाड़ियों से 2-3 गाड़ियाँ गई थी जो रिसीव करने के लिए जा रही थी और उन पर पथराव हुआ. मिश्रा जी, वीडियो आपने देखा होगा, वायरल हुआ है, जिसमें कि जो है वो किसानों को कुचलते हुए जा रहे. देखिए, वो तो जब पथराव हुआ होगा या उन्होंने बचने की कोशिश की होगी. अब मैं वहाँ तो था नहीं. सामने वाले कुचल देंगे जो. अरे भाई, मैं कहाँ कह रहा हूँ कुचल दे. मैं जब वहाँ था ही नहीं तो मैं उसके विषय में क्या कह सकता जा रहा है कि आपकी अब वहाँ की क्या परिस्थितियाँ रही हैं, किस तरह से गाड़ी पर हमला हुआ, कौन लोग दौड़ा रहे थे, कैसे हुआ, ये तो सारी बातें सर पर जो वहाँ लोग उपस्थित हैं वही बता सकते. सब आपके बेटे वहाँ बताया जा रहा उपस्थित थे उसी गाड़ी में. बिल्कुल नहीं थे. उसके सारे सबूत हमारे पास हैं. वो हमारे बेटे कार्यक्रम स्थल पे थे जो घटना स्थल से 3-4 किलोमीटर दूर है और वहाँ पर उनके फोटो वीडियो ऐसी सारी चीज़ें हैं. प्रशासनिक अधिकारी थे वहाँ पर, पुलिस के अधिकारी थे. 1000 से ज़्यादा की भीड़ थी. लोग भी अपने मोबाइल से फोटो बना रहे थे. वो सारे सबूत हैं. उसके साथ साथ हजारों लोग एफिडेविट देने को तैयार. और सर, वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो गन लोड करते हुए आपके बेटे नजर आ रहे हैं. कहाँ वहाँ का नहीं होगा. हमारे बेटे के पास अपना लाइसेंस है और लाइसेंस अपने घर पर अगर कोई रखता है या अपने सुरक्षा के लिए रखता है उसका उसको. अभी कहाँ है, अभी कहाँ है बेटे आप? हमारे यही है, लखीमपुर में है. उनके ऊपर तो FIR हो गई. तो FIR हो गई तो क्या हो गया, जांच हो रही है. जांच हो रही है, भाई है वो. पुलिस उनको पकड़ने नहीं है. नहीं, क्यों पकड़ेगी पुलिस भाई, जब वो थे ही नहीं घटना स्थल पर. क्यों पकड़ेगी, पहले सबूत तो इकट्ठा करें. वीडियोज में तो कुछ नजर आ रहा है. नहीं है कोई एक भी वीडियो. अगर आप दिखा दें तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा. अच्छा। आप एक भी वीडियो दिखा दें मेरे पुत्र की उपस्थिति का वहाँ तो मैं मंत्री पद. साक्ष्य मिल गया कि वीडियो वो है वहाँ. अगर अरे मिलेगा ही नहीं, जब है ही नहीं कैसे मिलेगा यार. All right, now let's quickly piece together exactly what transpired. India Today has accessed 7 chilling videos of the bloodbath, a sequence that we've put together here to explain to you how things really got so vitiated and violent. Here's video number 1 that we show you on your screens. The first video shows angry farmers gheraoing and pelting stones at vehicles. You can hear how protesters chant slogans and throw stones at the vehicles as they speed by. And then let's take you now through the second video that India Today has accessed. And this video shows farmers surrounding a black SUV, refusing to let the vehicle go as they chant slogans and raise black flags. And moments after this comes the moment that will really send chills down your spine. Take a look at this video number 3 that we have here. An SUV rams into protesters, protesting farmers in full speed. The protesters, who were seen marching forward, oblivious to the speeding car, get tossed into the air. 4 protesters in the midst of this died in the horrifying moment. In fact, the vehicle with which it appeared to have broken the windscreen runs over protesters, and then it looks like the driver loses control. And then you have video number 4, which shows as soon after the vehicle mows down protesters, people can be seen dumping their vehicles and fleeing, fearing backlash. Like this unidentified person who gets out of that passenger seat and runs from the spot. And then you have video number 5 there that shows the horror which continues. Now watch this video where the driver of the Jeep is dragged out, beaten over and over again. A group of men can be seen with lathis beating the driver until he's motionless. All the while, another group tries to turn the vehicle turtle. And then comes video number 6 that we're tracking here, where it shows angry protesters torching vehicles. In this video,
two SUVs were on fire, protesting farmers there walking around the cars as they burn those vehicles in plain sight. And then you have video number 7 that we access. And finally, here's that video of a BJP worker who was injured in the clash. Shyam Sundar was targeted, thrashed, and then coerced into naming Union Minister Ajay Mishra. ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है। मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर, बगैर एफआईआर के रखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये आदमी आजाद क्यों है। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, लखीमपुर आइए ना, जिन्होंने आजादी दिलवाई, जो अन्नदाता है इस देश का, जो आत्मा है इस देश का, उसकी पीड़ा समझिए, सुनिए। इनकी सुरक्षा करना आपका धर्म है। जिस संविधान पर आपने शपथ लिया उसका धर्म है और उसके प्रति आपका कर्तव्य है। किसानों की हत्या हुई है, हिटलर शाही में भी ऐसी ही गाड़ी चढ़ा करके हत्या नहीं हुई होगी। जिस तरह की हत्या किसानों की हुई है, किसानों की जान ली है। जिस तरीके से वीडियो सामने आया है जहां पे गाड़ियां किसानों को कुचल दे रही हैं, उस पर किसी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई है। विपक्ष के नेताओं को बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी नोटिस के उनको हिरासत में ले लिया है। क्या इसी तरीके से मोदी सरकार प्रजातंत्र की बात करते हैं, कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी है इंडिया, उसका हनन कर रहे हैं? ये सवाल पूछना लाजमी है, क्योंकि अब तक जो किसान परिवार है, पीड़ित परिवार है, अब तक न्याय की गुहार लगा रहे हैं और सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। कल जो वीडियो सामने आया वो निश्चित रूप से हिंदुस्तान की आत्मा को हिलाने वाला वीडियो, वो निश्चित रूप से ये बताने वाला वीडियो है कि आजादी के 75 साल के बाद देश के अन्नदाताओं की कीमत सत्ता की निगाह में कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ नहीं। मंत्री की गाड़ियां किसानों को किस निर्ममता के साथ कुचलती हुई, रौंदती हुई, उनकी हत्या करती हुई जा रही हैं, ये वीडियो शायद आपने भी देखा होगा। ऐसी बर्बरता मैंने ब्रिटिश काल में गांधी जी के आंदोलन से जो उत्पन्न हुई परिस्थितियां थी उसमें देखी थी। प्रधानमंत्री भी आज लखनऊ में हैं, रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री रहे राजनाथ सिंह जी वहां पर हैं। मैं चाहता हूं कि वो भी इस घटनाक्रम का संज्ञान ले। मंत्री पुत्र के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज है। आज आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी को कहां से इस तरह के विजुअल मिल रहे हैं? इसका मतलब है कि ये षड्यंत्र रचना चाह रहे थे। आपदा में अवसर तराशने वाले लोग हैं, जिस तरह से कोरोना के दौरान इन्होंने किया, वैसे ही आज किसान भाइयों के मुद्दे पर ये अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। ये जांचो उपरांत ही ये तय हो पाएगा कि क्या चीजें थी, और जांच शुरू हो गई है तो जांच का इंतजार कर लेना चाहिए हम सबको, क्योंकि सरकार किसानों के साथ में है। हमेशा से किसान हित के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और आगे भी हम किसान हित में ही काम करेंगे। Now let me quickly cut across to Samar joining us live from Lakhimpur. He's currently there where the situation still remains tense. Samar, take us through what's the ground situation. We know that 8 farmers eventually died in this violence, and it seems like the situation is still tense, with the opposition leaders trying to flock to that area, but they've been denied permission to enter. Now take us through exactly what we see on ground. See, the situation is still tensed in Lakhimpur, and as you can see that all political parties are trying to get momentum from this particular incident, as UP elections are nearing, so nobody wants to leave this golden chance. And that is the reason Priyanka Gandhi Vadra rushed to Lucknow from Delhi, and then she went on by a car to Lakhimpur, but she was denied entry and then she was detained. And now we are hearing that she has been arrested in Sitapur police lines. And while Akhilesh Yadav also tried to come outside his residence in Lucknow, but he was stopped there after he was detained. So FB Satish Chandra Mishra, Chandrasekhar Ravan, Sanjay Singh of Aam Aadmi Party, every political party is leaving no stone unturned to visit Lakhimpur and meet the families of deceased. While on the other hand, UP government is stern over the move that they are not allowing a single political party to reach inside the premises of Lakhimpur or on that particular areas where there could be a danger, or inside that out there could be a chance of inciting violence. And that
that is the reason when Rakesh Tikait was allowed at in some parts of Lakhimpur, all political parties, all top political leaders were denied entry. While on the other hand, the BJP, the union minister Ajay Mishra spoke to India Today and clearly said that his son has no role. But while on the other hand, the farmer unions are claiming that all this happened due to the BJP leader and his son, and they have demanded the resignation of the BJP leader. But what is coming from that part is that the son was not there, right, as he spoke to India Today and clearly, right, said that he was not present on the spot when the incident happened. So it's a dicey situation for the state government and for UP police to figure out the truth, as already compensation have been announced and it has been said by ADG Law and Order. Compensation aside, there should be a clear idea on exactly what happened, and we're hoping that the police comes out with a clear picture as soon as possible. Thank you so much for joining us with those details. Uttar Pradesh's Lakhimpur Kheri is still tense after 8 people were killed in Sunday's violence. In fact, 2 FIRs have also been registered in the clash, which broke out after an SUV allegedly ran over a group of farmers who were protesting against the visit of Deputy KP Maurya. 4 farmers, 2 BJP workers, 1 driver and 1 local journalist were killed in that violence. Farmers allege that Union Minister Ajay Mishra's son, Ashish Mishra, ran over his car on the farmers who were standing one corner of that road. However, Ashish denied charges, saying that he was not present at the spot. He is yet to be arrested. In fact, Yogi Adityanath government has now meanwhile ordered an investigation by a retired High Court judge. The move has also been criticized by the opposition, who've demanded investigation by a sitting judge. Now, obviously, there are several questions being raised about this entire incident, and here are those that we're still trying to find answers to. How did the SUV's windshield get shattered? Was the SUV stoned and vandalized, leading to the mishap? And did the driver deliberately mow down protesters? And BJP workers forced to admit any link before lynching? In fact, this is what the BJP claims, that they were forced to admit link to Ashish Mishra Theni when this incident happened and just before that lynching took place. Well, of course, we're also looking at answers that need to be given to several other questions, including who were the occupants of that SUV while it was going on a complete rampage. And also, of course, was Ashish Mishra indeed in that SUV or not? These are the questions that are currently being asked, which we really need answers to. Hopefully, the police will come out with a clear picture soon. Now, political showdown escalates over Lakhimpur violence case. After being detained for more than 30 hours, UP government has now arrested Priyanka Gandhi, who is arrested under various sections of the IPC. She is arrested for plan to commit cognizable offence, unlawful assembly, abetting wrongdoing and conspiring. A temporary jail is also built for Priyanka Gandhi at Sitapur Guest House, which she is currently lodged in. Either magistrate or the SDM will go to the guest house and hear the matter. In fact, the magistrate will conduct an inquiry into the offences and can also ask the accused person to sign a bond that they will not commit the crime. An inquiry can be completed within 6 months' time. Priyanka was arrested at 4:30 a.m. on Monday. Hours long, in fact, a cat and mouse chase that took place eventually got her to be confined in that guest house where she was caught sweeping. In fact, she was detained while she was on her way to Lakhimpur to meet with the victims' families. Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel, meanwhile, staged a dharna at the Lucknow airport. He claimed that he is not being allowed to go out of the airport. Akhilesh Yadav, too, is currently under arrest in Lucknow. He was stopped from going to Lakhimpur yesterday. So we're looking at opposition leaders entirely been banned from entering that sensitive zone of Lakhimpur. ऐसे यहाँ सीसी जाऊंगा, नेताओं से मिलूंगा, सीतापुर जाके प्रियंका जी को क्यों बुकिंग किया गया उससे मुलाकात करके वापस जाने सोच रहा था। लखीमपुर में चूँकि 44 धारा है, वहाँ जाने की परमिशन नहीं देते, तो मैं तो प्रियंका जी से मिली हूँ, वापस चल देता। लेकिन अब ये लोग तो यहीं जाने नहीं दे रहे हैं, मुझे यहीं पढ़ के सुनाया गया कि आपको हम बाहर जाने नहीं देंगे, तो मैं फिर यहीं बैठ गया। Now, meanwhile, India Today's Rajdeep Sardesai spoke to P. Chidambaram on Priyanka's arrest and the viral video of an SUV mowing down farmers. Here's what he had to say. Let's cut across. Mr. Chidambaram, your reactions to the news that's come in that Priyanka Gandhi has been
arrested for attempt to disrupt peace under the IPC. They have made an illegality worse. They have compounded the illegality. The sections they have invoked are Section 151 of the CRPC, Section 107, and Section 116 of the Indian Penal Code. So they have finally admitted the arrest was under Section 151. If you arrest a person under Section 151, you cannot keep the person beyond 24 hours. They have kept her for nearly 36 hours. That itself is illegal. And then they are invoking Section 107 and Section 116 of the IPC, which is abetment. You can't abet in the air. You can't abet in the vacuum. You'll have to say, what did she abet? Which offense did she abet? Who did she abet? Nothing is stated. You simply throw a charge of abetment because under 151, there's no charge. So this is complete illegality. The earlier illegality is charge... compounded by this act. And they didn't produce her before the magistrate. I believe the challan was sent to the magistrate's court, and the magistrate passed an order of remand without even seeing her. Under Section 167, a person can be under detention for 24 hours, and if the investigation cannot be completed in 24 hours, the person shall be produced before the magistrate, who may pass an order of remand. But without even seeing the person arrested, how does the magistrate pass an order of remand? This is UP is worse than Alice in Wonderland. Mr. Chidambaram, the charge is that Priyanka Gandhi, Dipinder Hooda and others were determined to go to Lakhimpur Kheri, where there are prohibitory orders in place, and the apprehension was therefore there would be a disturbance in law and order. Which section, tell me? I've read the three sections which have been included in the challan. They are only Section 151, yes, which is designed to commit an offence. So no offence is committed at the time of arrest. Even the police officer does not say that any offence has been committed at the time of arrest. The only other two sections are 107 and 116 of the Indian Penal Code. Please read the sections. They are abetment. I ask myself, abetment of what? Abetment of who? You have to say that. Without that, how can there be a charge of abetment? Now, Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar has come under the line of fire after his tit-for-tat comments against farmers. Khattar's remarks were made at a BJP Kisan Morcha event in Chandigarh on Sunday. Let's take a listen what he said. जब ठावने के डंडे तो जमानत की प्रवाह मत करो महीना छह महीने दो महीने रहा होगा ना तो इतनी पढ़ाई इस मीटिंगों में नहीं होगी अगर दो चार महीने वहां रहा होगा तो बड़े लीडर अपने आप बन जाओगे सुधर जाओ नहीं तो सामना करो आके हम आपको सुधार देंगे दो मिनट लगेगा केवल Two statements by two big BJP leaders. Their target, protesting farmers. Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar's shocking appeal. A call to arms against protesting farmers. लेकिन उत्तर पश्चिम हरियाणा के हर जिले में अपने किसानों के 500-700,000 लोग आप लोग अपने खड़े करो उनको वॉलंटियर बनाओ और फिर जगह जगह जैसे को तैसा ठालो ठंडे जब ठावने के डंडे तो जमानत की परवाह मत करो महीना छह महीने दो महीने रहा होगा ना तो इतनी पढ़ाई इस मीटिंगों में नहीं होगी अगर दो चार महीने वहां रहा होगा तो बड़े लीडर अपने आप बन जाओगे हरियाणा चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट केम अराउंड द सेम टाइम दिस मेहम अनफोल्डेड इन लखीमपुर खेड़ी द आफ्टरनून ऑफ 3rd अक्टूबर वेयर 8 पीपल डाइड 4 फार्मर्स 3 बीजेपी वर्कर्स 1 ड्राइवर Who instigated the violence is yet to be decoded. But what is on record is this. The MOS home Ajay Kumar Tenney, whose son stands accused of mowing down farmers, issuing an open threat to these protesting farmers of Lakhimpur 1 week before the incident. ऐसे 10-15 लोग यहाँ पर शोर मचाते हैं तो यहाँ पूरे देश में फैल जाना चाहिए था आंदोलन अगर कृषि कानून खराब होते क्यों नहीं फैला
10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे, 2 मिनट लगेगा केवल। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, उस दिन पलिया नहीं लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखना। Statement 1 by ML Khattar, the Chief Minister of Haryana, one of the epicenters of the farm protest, will raise questions on the handling of the crisis. A state that just 20 days ago in Karnal saw an SDM give orders to break heads. And now, the Chief Minister of the state asking openly to pick up LUTs. और फिर जगह जगह जैसे को तैसा हेलो फंडे जब ठावांगे डंडे तो जमानत की परवाह मत करो, महीना 6 महीने 2 महीने रहा होगा ना। स्टेटमेंट 2 बाय एमओएस होम अजय कुमार नॉट जस्ट अंडरलाइंस द सैंक्टिटी ऑफ हिज ऑफिस बट आल्सो रेजेस डाउट्स ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ हिज सन इन द लखीमपुर ब्लड बाथ। द पॉलिटिक्स द इन्वेस्टिगेशन द ब्लेम गेम असाइड एंड हु रियली स्टार्टेड द वायलेंस is open to investigation. But is the language used by sitting parliamentarians not just unparliamentary but unpardonable? We leave it for our viewers to decide. Bureau Report, India Today.